ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हुआ क्या है तुझे? बहुत बड़ी गलती हो गई इंदु मुझसे। मुझे यहाँ नहीं आना था, पर रात पता नहीं क्या जोक चढ़ा। मैंने वो चिट्ठी पढ़वाई और मैं अपने बाबूजी की इज्जत दांव पे लगा के इतने आगे। एक मामूली सी चिट्ठी और ढेर सारा भरोसा इंदु। मतलब तू लच्छी चाची के साथ नहीं आई है? चल ली हूँ मैं इंदु, बाबूजी मैंने कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने मार इंदु मेरे बाबूजी ने। क्या कहे जा रही है? कुछ भी बोले जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसी चिट्ठी? बराती जी की चिट्ठी इंदु, जिसमें उन्होंने मुझे अपना इंतजार करने के लिए बोला था और मुझसे ब्याह करने का वादा किया था। पर लाहौर दी डाक बंद होने करके मैंने वो चिट्ठी बहुत देर बाद मिली इंदु, और तब तक मैं कंवर सिंह से ब्याह करने के लिए हाँ कर चुकी थी। मैं ब्याह वाले घर से भाग के आई हूँ इंदु। तू और सुंदर भाई साहब ब्याह? तू उनके ब्याह में जा और मेरी तरफ से बधाई भी दे देना। अरे अरे कहाँ जा रही है? जहाँ से आई थी अपनी गलती नू सुधारना है मैंने। बाबूजी की माफी तो कभी नहीं मिलेगी, उनकी पग का मान रखना है मैंने इंदु। एक आखिरी सवाल, बराती जी के होने वाले का नाम क्या है? गुणवंती। बड़ी भाग्यशाली है। राजी की हो ये? एक ही है चिट्ठी, सुंदर लाल की, लाचो के वास्ते। मुंडे वालों को खबर कर दो कि अभी ये ब्याह नहीं हो सकता। लाचो पुत्री, हम सबको छोड़ के मानू छोड़ के कितने जाऊंगी बाबूजी? सियानी नहीं बावली होगी सी बाबूजी, आखिरी बार मैनू माफ कर दो। अब गलती करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकूंगी मैं। समझ आ गया बाबूजी मैनू। अड्डी छाया से दूर रही तो मुरझा जाएगी लाजवंती। ना पुत्र ना, बेटियां पैरों को नहीं छूती। लाचो पुत्र, इलम दे चार अक्षर पढ़ के उदनू फाजिल विद्वान समझ रहा था तेरा प्यो, और अपनी बच्ची के मन में की है ये भी ना पढ़ सकिया। तेरे ब्याह दे टोल सुनने की हसरत में मैं तेरी अनकही भी सुन ना सका। पर लाचो पुत्र, ये गल तू पहले मैनू क्यों नहीं दसी? ठीक किता किता बाबू जी, जो नहीं दसिया थानू इस चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है बाबू जी। उन्हें तो ब्याह हो रहा कुलवंती नाम की कुड़ी दे नाल, ते मेरा कुंवर सिंह नाम के मुंडे दे नाल। सारे भाइयों का चेहरा ना मैंने ही बांधा सुंदर प्राजी। सेहरा तो मेरे पुत्र के नाप का बनना था, पर चढ़ रहा है सुंदर के सर। तेरे फूटे कर्म थे जमा, तू छोटे भाई की औलाद है, पर ना गुणवंती को तो हमने तेरे लिए ही पसंद किया। लो हो गया प्राजी, ये सब तमाशा जरूरी है। बस पीछे हटो, थोड़ा थोड़ा भी सांस भी लेने दो बच्चे।
जिंदा रे पुत्र, मेरी जुबान का सबके आगे मान रखा तूने। आज सही मायने में तू मेरा पुत्र बना। चल पुत्र, तेनू कोड़ी चढ़ावा। बात बतानी आपको। क्या हुआ? लाजो आई थी तोरण वाला से, चिट्ठी लेकर प्यार करती है सुंदर से। लाजो आई है सुंदर, लाजो। शादी रोक ले यारा, प्यार करती है वो तुझसे और तू उससे। तेरी शादी लाजो से होनी चाहिए, वो गुणवंती से नहीं। क्या बात है लाले, बारात क्यों रोकी? वो कुछ नहीं, वो सुंदर मैं कह रहा सी कुछ कि ऐसी क्या बात है लाले, ब्याह होने तक रुक नहीं सकती। एक बार दूल्हा घोड़ी चढ़ जाए उसे रोकते नहीं। जी कुछ खास नहीं, बस कुछ खास नहीं। और तूने दूल्हे की घोड़ी रोक दी? क्यों भाई तेजवान जी, इसकी ये हरकत आपके दिए हुए संस्कारों का नतीजा है या ना देने का? बारात सिर्फ नारायण बाबा के घर जाकर रुकेगी। आगे बढ़ाओ बारात। माता जी जीते रहो बेटा, जीते रहो। नारायण बाबा, आपका और हमारा रिश्ता दोस्ती से कुछ बढ़कर ही, और आज उस पर समाज की मोहर लगाने जा रही। आज के बाद जब जब लाहौर के अफसाने लिखे जाएंगे, और हमारा नाम उसमें शामिल होगा। आपसे जुड़कर भारद्वाज परिवार की जड़ें लाहौर की मिट्टी में और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लेंगे। आइए किशोर लाल जी, आपका स्वागत। आइए अब उतर आओ। आ जाओ पुत्र। मेरे होने से पहले एक बार सुंदर को यह पता चलना बहुत जरूरी है कि लाजो लाहौर आई थी, वो भी उसके वास्ते। आगे रब की मर्जी, अब आप ही कुछ करो ना। फिर लले यहीं पर रुकेगा तो ठीक होगा। स्यापा, कोई ना कोई स्यापा तो जरूर उबल रहा है चमन। तेरी बीजी अंबर सर से मिलो दूर से सियापे को सूंघ लेती है। जी सुनिए, जेठ जी कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हमसे। सुंदर पुत्र, खुश रहने की कोशिश करो। अग्नि के सामने साथ मेरे पूरे दिल से लेना और उन्हें सात जन्मों तक टूटने मत देना। बेटा, समय के साथ साथ हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। बुआ कहती है कि रिश्ते ना
उनकी बुनाई जैसे होते हैं और मुलाकातें रिश्तों दी लिसी लिसी डोरियां। हर मुलाकात ना रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। बुआ कहती है विवाह के बाद सुंदर को कहीं श्रीराम जी से ईर्ष्या ना हो जाए। अब राम जी के साथ साथ तुझे सुंदर को भी समय देना होगा। इन रंगों में कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बहुत प्यारी लग रही है गुणवंत जी। रंगों का चढ़ना भी तो नसीबों की बात होती है। इन रंगों ने तो लाजो से भी एक वादा किया था, मगर शायद उसके हिस्से में ही नहीं थे। लाजू, ये लाजू कौन है? जमुना चाची, वो पंडित जी आपको मंडप में बुला रहे हैं। इंदु, तू इसे लेके मंडप में आ जा, जल्दी करना बेटा। हाँ कन्या को बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हे राम, सफेद कपड़े, अरे आज तेरा विवाह है और तू ये अभागन की वेशभूषा में। अभागन की नहीं बाबा, नहीं बाबा। जोगन, जोगन, जोगन। ये सफेद रंग बहुत भपता है मुझ पर। आज पहली बार इतना सुकून मिल रहा है बाबा। भगवत गीता में बिल्कुल ठीक लिखा है बाबा, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा बाबा। मैंने निश्चय कर लिया है बाबा, मैं ग्रस्त जीवन सदा के लिए त्याग रही हूँ। निश्चय मेरा है जो किसी के भी प्रभाव में नहीं ले रही हूं मैं। मैं अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम और सीता मैया के चरणों में अर्पण करती हूं। देखो जी, भगवती, ये व्याह तो तुम्हारी मर्जी से हो रहा था, फिर ये गलत है। नहीं सुंदर, गलत तो तब होता जब हम इस पवित्र अग्नि के सामने फेरे ले लेते।
मैं जानती हूँ ये विवाह मेरी इच्छा से हो रहा था, तुम्हारी इच्छा से नहीं। हम हमेशा से ही मित्र थे सुंदर, और आगे भी रहेंगे। पर सुंदर, तुम्हारी बगल की जगह में बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लाचो का है। इसका विवाह कहीं और हो रहा और उसकी मर्जी से। ऐसा तुम समझते हो सुंदर। वो आई थी तुमसे मिलने लाहौर, उसे तुम्हारी लिखी हुई चिट्ठी थोड़ी देर से मिली। नहीं, ये सब गलत। ये विवाह मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं और मैंने फैसला किया। सगनी के सामने मैं तुम्हें वचन दूंगा और मैं उसे निभाऊंगा। सुंदर ठीक कह रहा है बाबा, हमने अपनी जबान दी है। मैंने भी बाबूजी। मैंने भी अपने श्री राम जी को अपना पूरा जीवन अर्पण करने की जुबान दी। सुंदर, मुझसे विवाह करने का फैसला तुम्हारे दिमाग ने लिया था, दिल ने नहीं। मर्द चाहे औरत से कितना ही झूठ क्यों ना बोले, उसकी आंखें कभी झूठ नहीं कहते। सुंदर, तुम्हारी आंखों में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है, और वो है लाज। हाँ सुंदर, सुंदर मैंने अपने दिल की बात सुन ली है, तुम भी वही करो। जाओ सुंदर, अपनी लाजो के पास जाओ। नहीं, मैंने तुम्हारा हाथ थामने का फैसला कर लिया। सुंदर, यही हाथ तुम अपने दिल पर रखो और इस पवित्र अग्नि के सामने बताओ सबको, कौन बसी है तुम्हारे दिल में। बता दो सुंदर, सबको बता दो। मैं आपकी लगती क्या हूं बराती जी? ये रिश्ता है हमारा? पहली बार आपको मेरा नाम लेते हुए सुना। जवाब देने का मुहूर्त निकाल रहे हो क्या बराती जी? ये क्या बकवास है सुंदर? बाबा समझाओ अपनी पुत्री को। ये सुंदर, आप ही बताइए क्या समझाऊं किशोरी लाल जी, क्या समझाओ इसे? इसका आज ये विवाह नहीं हुआ तो ये इसके लिए दुर्भाग्य होगा। अगर विवाह हो भी गया तो भी तो दुर्भाग्य है। अरे किशोरी लाल, आपने सुना नहीं अभी कि आपके बेटे ने क्या कहा? कि इसके दिल में कोई और खुशी। तो फिर मेरी बेटी आपके घर में क्या बन के रहेगी इसकी दासी? अगर आज आपके बेटे ने मेरी बेटी का हाथ थाम भी लिया तो ये गृहिणी होते हुए भी जीवन भर जोगन बन के रहेगी। चाहे इसके लिबास सुहागन के ही क्यों ना हो। आप कुछ भी कर लीजिए किशोरी लाल जी, लेकिन आज आपके इस बेटे ने मेरी बेटी का जीवन नष्ट कर दिया। नहीं बाबा, नहीं। आप ही ने कहा था ना,
आप ही ने कहा था ना कि हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए। किशोरी लाल जी, आपने जबान दी थी, भले ही आपकी जबान का सम्मान लोगों के दिलों में हो, लेकिन आपके घर में आपके बेटे के दिल में आपके जबान का कोई मान नहीं है। कि आपकी जबान कोई कोई मायने नहीं रखती। आप इस समाज में सम्मान के पात्र नहीं हो। जो आपकी पग है ना, इसके तुर्री को आपके इस बेटे ने हमेशा हमेशा के लिए नीचे गिरा दिया है। क्या सोचा था मैंने कि लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देंगे, लेकिन नहीं, आज के बाद तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम कोई भी नहीं लेगा, और अगर लेगा तो वो मेरा अपमान होगा। ले जाइए अपनी बारात वापस। बाबा, ये सब करने की कोई लोड़ नहीं। बस बस, सुन चुका मैं तुम दोनों बाप बेटों की बातों को। मेरे सब्र की और कितनी परीक्षा लोगे तुम लोग। बाबा शांत हो जाइए, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मेरी बेटी चाहे कुछ भी कहे, किशोरी लाल भरद्वाज, लेकिन तुम मुझसे किसी भी संबंध की उम्मीद मत करना। इससे पहले कि मैं अपने गुस्से में अपना नियंत्रण खो दूं, चले जाइए यहां से। सुंदर, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। Thanks to this wedding getting cancelled, Lahore will its biggest divide now. Aap hi ne kaha tha na ki hamari dosti ab rishtedari mein badal jaye. Aapne zaban di thi. Aaj is sabha mein siddh ho gaya कि आपकी जबान कोई कोई मायने नहीं रखती। आप इस समाज में सम्मान के पात्र नहीं हो। आज के बाद तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम कोई भी नहीं लेगा, और अगर लेगा
तो वो मेरा अपमान होगा। ले जाइए अपनी बारात वापस। ये जो आपकी बात है ना, इसके तुर्री को आपके इस बेटे ने हमेशा हमेशा के लिए नीचे गिरा दिया है। जब तलवारें चला करती हैं तो शरीर जख्मी होते हैं, पर दिल को जख्मी करती है इंसानों की जुबान। नारायण बाबा के कड़वे शब्द किशोरी लाल पर क्या असर करेंगे? क्या यही वो चिंगारी है जो लाहौर के बादामी बाग इलाके को नफरत की आग में झुलसा देगी? क्या लोगों के दिलों पर भी सरहदें बन जाएंगी? और रंजिश के इस दौर में क्या अंजाम होगा दो मासूम प्यार करने वालों का? क्या लाजवंती और सुंदरलाल का प्यार अमर होगा या बंटवारे की आग लेगी इनके प्रेम की बली?